हुड्डा के दस्तखत वाली चिट्ठी से कुमारी शैलजा नाराज हो गई हैं। शैलजा ने हुड्डा का नाम लिए बिना उनकी मिलीभगत भाजपा से करा दी है। बता दें कि गत दिनों सोनिया गांधी को पत्र लिखकर प्रधानगी के लिए कोई गैर गांधी परिवार का सदस्य चुनने को कहा था, जिस पर कांग्रेस के अंदर भूचाल आ गया है। गांधी परिवार के लॉयल कुछ नेताओं ने इन 22 नेताओं पर भाजपा से मिलीभगत के आरोप लगा दिए हैं। बता दें कि जिन 22 नेताओं ने पत्र लिखा उनमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हैं। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा को गांधी परिवार का खासम खास माना जाता है। ऐसे में कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। पत्र में कुमारी शैलजा ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार ने हमेशा देश को अपने खून पसीने से सींचा है। इस परिवार ने देश के लिए जो बलिदान दिया है उसके लिए यह देश सदैव इस परिवार का ऋणी रहेगा। आपका देश के प्रति समर्पण समस्त देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। आपके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्तासीन या विपक्ष में रहते हुए देशवासियों की सेवा की है। आपके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहे वह कोरोना काल में हर व्यक्ति के स्वास्थ्य व हित की बात हो या भाजपा के कुशासन से लड़ने का विषय रहा हो। कुमारी शैलजा ने कहा कि आज मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पार्टी के भीतर कुछ नेताओं द्वारा शीर्ष नेतृत्व की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि यह लोग भाजपा के कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के षड्यंत्र में संलिप्त हैं। इस तरह की मांग करने वाले व्यक्तियों की पहचान केवल मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही देन है। वह इनको सत्ता में भागीदारी भी पार्टी ने ही दी थी। मैं उनके द्वारा ऐसी मांग करने की कड़ी निंदा करती हूं। कुमारी शैलजा ने आज कहा कि जब भाजपा सरकार के कुशासन में देश बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, भाजपा सरकार द्वारा हमारे देश के संविधान पर सुनियोजित तरीके से हमले किए जा रहे हैं, भाजपा सरकार द्वारा देश के लोकतंत्र को कुचलने की साजिशें हो रही हैं, संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे कठिन समय में सभी कांग्रेसियों को एकजुटता का सबूत देना होगा। यही कांग्रेस पार्टी की 135 वर्षों पुरानी गौरवशाली परंपरा रही है। कांग्रेस पार्टी में हर फैसला लोकतांत्रिक पद्धति द्वारा लिया जाता है और यही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए कहा कि कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी को कांग्रेस का प्रधान बनाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ओजस्वी नेतृत्व की अब सबसे ज्यादा आवश्यकता है। देश में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर आप दोनों के नेतृत्व में ही देशवासियों और असंख्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद की एकमात्र किरण नजर आती है। देश के गरीब, मजदूर, किसान, दलित और युवाओं की आशा आप दोनों के नेतृत्व पर ही केंद्रित है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि आपके व राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर होगी और देश को तमाम संकटों पर विजयश्री प्राप्त होगी। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हालांकि कुमारी शैलजा की इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि उन्होंने गत दिनों जिस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि गांधी नेहरू परिवार का कोई भी सदस्य अब प्रधान नहीं बनना चाहिए, किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को यह जिम्मेदारी अब सौंपी जानी चाहिए। जिसके बाद से अब कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच एक दीवार खड़ी होती नजर आ रही है। चंडीगढ़ से अनिल कक्कर की रिपोर्ट। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।